कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम चापी मम चापी, मैं भी चाय पीऊ तू भी चाय पी। जमाना चाय वाले का भाई मेरा। आपने कितनी बार सुना, अगर यूट्यूब पे सुना हो तो मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि भाई जिसके पास में जो काम है वो काम बता रहे ना। राहुल जी के पास में जो काम है वो राहुल जी ने बताया, मोदी जी के पास में जो काम है मोदी जी ने बताया। इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने कौन सा डिसीजन गलत लिया बताइए मुझे। जो भी डिसीजन लिया है 130 करोड़ जनता ने पूरी ईमानदारी से लिया है सर। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा देश का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक डॉक्टर रहे वो। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा, एक ऑपरेशन का टांका टूटे दूसरा चल, इतने सारे ऑपरेशन। अब इसमें गलती क्या हो गई सर? सुनील भैया, अगर एक चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो यार टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। तो ये ममता बनर्जी मायावती के टांकों में दर्द हो रहा, बाकी की बात ये टांकों में दर्द हो रहा। जरा ढंग से ताली वाली बजाइए, हाथ खड़ा करे ढंग से, बहुत बढ़िया। वरना काम तो सब अपने अपने ढंग से कर ही रहे भाई, जिसके पास जितना काम था इतना काम कर रहे। जब चाय का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? चाय का मतलब, चाय किसको कहते हैं है? चाय का मतलब ये, माता बहने बैठी है इनसे पूछो कि चाय किसको कहते हैं। चाय का मतलब ये होता है कि जब मंदिरों में घर में भजन होते हैं, जागरण होती है, तो जैसे ही आदमी को थोड़ी सी आलस आती है तो फटाक से भाभी कहते बोले लाड़ी चाय कर ले। लाड़ी, ओ लाड़ी। अच्छा लाड़ी भी जाना कर नहीं बोले लाड़ी, फिर वो टोन बदलती है लाड़ियो, फिर भी नहीं सुशीला, फिर लाइन सुशा बोल कहीं बोल आधा तो कब चाय कर ले। हंसने की बात नहीं है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं सरपंच साहब। चाय जागने का प्रतीक है। आदमी को जब नींद आती है तो चाय जागने का प्रतीक है। और जो देश को जगाता रहे, लोगों ने कहा बोला नरेंद्र मोदी दुनिया में घूमता फिर रहा, जब देखो तब विदेश में घूमते हैं, जब देखो तब विदेश में घूमते हैं। ऐसा क्या है विदेश के अंदर? मैं आपसे एक बात बताऊं कि जब शास्त्री जी ने ये कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान मेरे भाई इन किसानों का है। और उन किसानों से पूछो कि अगर वो किसान अपने खेत के अंदर एक महत्वपूर्ण फसल बोना चाहता है तो उस फसल को बोने के पहले खेत के चारों तरफ एक मजबूत बागड़ लगाना चाहता है, कहीं ऐसा नहीं कि रोजड़ा रोजड़ी आई जाए फसल खत्म हो जाए। तो यार एक महत्वपूर्ण फसल बोने के लिए जंगली जानवरों से, आवारा पशुओं से रक्षा करने के लिए जो मजबूत बागड़ लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण फसल उस खेत के अंदर बोना थी। अगले आदमी चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को मालूम था कि काम महत्वपूर्ण करना है, 370 हटाना है, पूरे देश दुनिया में उसने ऐसी बागड़ लगाई मेरे भाई। घूमता रहा वो, घूमता रहा। हमारे गांव के अंदर जो तुम कह रहे हो ना कि बाबजी आई गया अस्तर गांव कोटला में, अस्तर बहुत चले, बोले कहीं भी की लाड़ी को कहीं भी क्यों, बोले मन तो ऐसा लागे कि विचे है नहीं फलानी लागी थकी है। तो लागे खूब, और फिर वो जान भोपाकन ले जाओ मार ढोल बाजो डन 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 डन, और विके बाप जी आज बोल बोल, चिट्टी आंगरी पकड़ ले बोल, क्यों परेशान करी रही छोरी ने। फिर वह बोले आना मैंने चाय को नहीं पूछो, बोले और वह कदी बोले मालूम आपके, यदि वह चिट्टी आंगरी पकड़ा देती, और चिट्टी आंगरी में सब कमाल है सुमित्रा, गोगड़ी ने अलाने चिट्टी आंगरी पकड़े नहीं देख देख कदी। जो चिट्टी आंगरी में कमाल है चिट्टी आंगरी, हालांकि इसको अपन इसमें क्या कहते हैं कनिष्का अनामिका, और इसको चिट्टी में क्या कहते हैं कनिष्ठा, कनिष्ठा, पर हमारा यहाँ दिखे चिट्टी आंगरी बोले। चट्टी आंगरी पकड़ लो तो फटफट सब कबूल कर देवा, और वह फटाफट कबूल करे तो वह एक ऐसी खतरनाक डायन है जैन साहब, एक ऐसी खतरनाक डायन थी जो जाने कितने ही साल से लगी हुई थी, और इतनी खतरनाक कि उसने ये समझ लो कि बरसों से वो कश्मीर में लगने वाली 370 नाम के एक ऐसी डायन जो कि मेरे भाई वो जाने कितने लोगों का कलेजा खा गई है।
वहां पे वो हमारे श्यामा चरण मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेरी उनसे ज्यादा जान पहचान नहीं थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कलेजा खा गई ये 370 और श्यामा जी शहीद चौक में शहीद हो गए। परंतु उस 370 नाम की डाकन के या मालूम नहीं के भाई, यो जो बाप आयो ने चट्टी आंगरी पकड़वा रहो, यो बाप अतरो बड़ो इको कालजो खाई नहीं सके, क्योंकि कालजो 56 इंच को जो कालजो मावे नहीं मुंडा में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।